मैं मोहिब इकबाल हूँ। सबसे पहले मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा। ये टेक्नोलॉजी की एक पिक्चर है, इसमें हम देख सकते हैं कि एक मिनट के अंदर क्या होता है, एक मिनट के अंदर 30+ आवर्स की जो है वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पे, एक मिनट के अंदर सिर्फ। फेसबुक पे बहुत सारे कई अकाउंट्स खुलते हैं, ट्विटर पे कई अकाउंट्स खुलते हैं, और साथ में कितने प्रोफाइल व्यूज़ होते हैं। और अभी हम देख सकते हैं कि अगर ये एक कंपनी ने सर्च की थी कि वो देखने के लिए हमें 5 साल लग जाएंगे। ये हमारी इंटरनेट की एज आएगी, डिजिटल एज आई है। इसमें आजकल हम ज़्यादातर एक दूसरे से कम मिलते हैं और फेसबुक पे दूसरे की प्रोफाइल ज़्यादा देखते हैं, चैट ज़्यादा करते हैं, बात कम करते हैं। और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मैं मोहिब इकबाल हूँ, यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट स्पेशल। एंड मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोग्रामर हूँ, वेबसाइट्स बनाता हूँ मैं, और मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, और प्रॉब्लम आज मैं स्पीकर में सबसे यंगेस्ट हूँ। और मैं 30+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड कर सकता हूँ। डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर 30+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, मैं उन सब में कोड कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में सेशंस कंडक्ट करता हूँ और ऑन वेरियस टेक्नोलॉजिकल टॉपिक्स लाइक विंडोज़ 8 जो कि इस वक्त रिलीज़ होने वाली है, विंडोज़ फोन 7 प्रोग्रामिंग, और माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे प्रोग्रामिंग। इसके अलावा मैं एंड्रॉयड और iOS यानी आईफोन की प्रोग्रामिंग भी करता हूँ। मैं अपनी स्टोरी आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने किस तरह ये सब स्टार्ट किया और मेरी क्या इंस्पिरेशन थी। सबसे पहले जो मेरी इंस्पिरेशन थी वो मेरे फादर थे, जो कि आज यहाँ हैं, इकबाल फादर नाम है उनका। ये मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी, इन्होंने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया, और मतलब एज अ पेरेंट इन्होंने बहुत अच्छी जॉब की है। ज़्यादातर पेरेंट्स आजकल अगर आप देखें वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो उनके ड्रीम पूरे करें, यानी वो कुछ जो बनना चाहते थे वो बने, बट इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और मुझे वो बनने दिया जो मैं बनना चाहता था। ये स्टोरी स्टार्ट होती है बहुत पहले, जब मैं बहुत छोटा था, तब से ही मैं इनको देखता आ रहा था, तो तब से ही मैंने सीख लिया कि मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे और डेली लाइफ में इनको यूज़ किस तरह करते थे। तो फिर मुझे क्यूरियोसिटी डेवलप हुई कि मतलब ये सॉफ्टवेयर बनते किस तरह से, और मतलब कौन बनाता है, और इस वजह से मैं प्रोग्रामिंग की फील्ड में आया। मैंने प्रोग्रामिंग की फील्ड में बहुत रिसर्च की, और फिर मेरे फादर हमेशा मेरे साथ रात में बैठते थे और हम जो है फ्री ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, फ्री ऑनलाइन वेबसाइट से प्रोग्रामिंग की जो है ट्यूटोरियल्स निकाल के पढ़ते थे। मैंने स्टार्ट किया ये सब, और फिर साथ में जब मैंने प्रोग्रामिंग सीखी उसके बाद में मैं टू मेक इट ऑफिशियल और मैं ज़्यादा सीखने के लिए फिर मैंने सर से यूनिवर्सिटी में जो वीकेंड प्रोग्राम था उसमें एडमिशन लिया, और फिर वहाँ पर भी मुझे पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन होती है बहुत सारी, और किस उनके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। फिर आता है कि मैंने अपना पहला एग्ज़ाम किस तरीके से दिया, मतलब बहुत पढ़ा, मतलब ज़्यादातर ये कोई यूजुअल चीज़ नहीं होती है, स्कूल वाले सपोर्ट नहीं करते हैं तो खुद ये सब करना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के बाद मैंने रजिस्टर कराया। एक सैटरडे के दिन मैंने रजिस्ट्रेशन कराई कि इस सैटरडे को मैं अपना एग्ज़ाम दूंगा, तो उस वीक में मुझे अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी थी। तो मतलब बीच में फिर जो है ना मेरे पेरेंट्स से बहुत बोला कि आगे करवा लो बेटा, आगे करवा लो, और नहीं दे पाओगे सैटरडे को, बहुत मुश्किल होगी। बट मैंने बोला नहीं, मैं डिटरमिन्ड था कि मैं इसी सैटरडे को ही दूंगा और पास करके आऊँगा। मैंने अपना पहला एग्ज़ाम दिया, मुझे अब भी याद है कि मैं जो है ना प्रोमेट्रिक टेस्टिंग सेंटर में अंदर बैठा हुआ था और कंप्यूटर पे एग्ज़ाम दे रहा था अपना, और हंसते हंसते एग्ज़ाम दे रहा था कि बहुत आसान एग्ज़ाम है, हो जाएगा, और बाहर मेरी मम्मी रो रही थी, वो रो रही थी कि मेरा बेटा किस तरह कर रहा होगा। और जब मैं बाहर आया तो मतलब हंसी के आंसू निकलने शुरू हो गए मेरे पेरेंट्स के, मतलब मैंने अपना पहला एग्ज़ाम पास कर लिया था। आई हैड पास रेट विद 98
8.4% और मतलब ये मेरी जर्नी थी। कुछ बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे हमें हर वक्त डिटर्मिंड होना चाहिए। अगर मैं सोचता कि मतलब मैं इस सैटरडे को ना दूँ एग्ज़ाम, आगे बढ़ा लूँ, तो अगर मैं आज नहीं कर सका तो मैं कल भी नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे हर वक्त डिटर्मिंड होना था कि मतलब मुझे ये करना है। इसके अलावा मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस हुए, मतलब मम्मी बोलती थी हर वक्त कंप्यूटर में बैठा हुआ है, फिज़िकल एक्सरसाइजेस नहीं करता है, बाहर खेलने नहीं जाता है। ये एक चैलेंज था मेरा कि कंप्यूटर में बैठ के और किस तरह मैं फिट रह सकूँ। इसके अलावा मैं अपनी स्कूल की स्टडीज़ को किस तरीके से जो है मैनेज कर सकूँ अपने प्रोग्रामिंग के टाइम के साथ। इट वॉज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी, बट इंशाल्लाह ये सब भी होते रहेगा। स्कूल की स्टडीज़ भी चल रही है और हमें टाइम मैनेजमेंट सीखनी चाहिए। और कुछ फेलियर्स भी हुए, बट फेलियर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल बट पीपल हु नेवर क्विट। ये एक बहुत बड़ी सेइंग है। मतलब विनर्स वो नहीं होते जो है मतलब जो फेल ही नहीं होते, विनर्स भी फेल होते हैं, बट वो उठकर वापस खड़े हो जाते हैं और डिटरमिंड होता है कि मतलब मुझे ये करना है, वो कर छोड़ते हैं। थिंक बिग, बड़ा सोचो, बड़ा ड्रीम करो, बड़ा ड्रीम देखो। आज मैं सोचता हूँ कि मैं जो है फ्यूचर में अपनी खुद की एक कंपनी खोलूँगा। बड़ा सोचा मैं, अगर मैं जब छोटा था तब मैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है, आज मैं शायद नहीं कर पाता। इसके अलावा अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस रखो। ज़्यादातर जो है ना इंटरेस्ट होता है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। I would like to end my presentation. I hope you all like it.